लॉजिक गेट्स टॉपिक चल रहा था, ठीक है। लॉजिक गेट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कल, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो लॉजिक गेट्स था, ठीक है। अब उसमें मैं आगे चलता हूँ, लॉजिक गेट्स में यूनिवर्सल गेट, ठीक है। लॉजिक गेट्स के अंदर है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स जो है नैंड और नॉर गेट होते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। नैंड और नॉर, नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। नैंड गेट और नॉर गेट आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट। इसके अलावा कोई भी और कोई गेट यूनिवर्सल गेट नहीं होता है, ठीक है। तो नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट से, नैंड और नॉर से, आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होते हैं क्योंकि इनसे आप कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन यानी आप बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, जैसे मान लीजिए हम नैंड गेट ले रहे हैं, नैंड नैंड गेट ले रहे हैं, ठीक। नैंड गेट से आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन्वर्टर बनाना है, ठीक, यानी नॉट गेट। तो ये आता है कि अगर आपको नैंड गेट से बनाना है नॉट गेट तो कितने गेट लगेंगे, ठीक है। एक ही लगेगा, हम देखते हैं, ये देखिए, ये हो गया नैंड गेट, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे इनपुट दे दिया ए, तो यहाँ पे क्या मिल गया, ए बार, इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर में क्या होता है कि आप इनपुट एक ही दे पाते हैं, हमने ए दिया तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, ए बार। ये क्या है, नैंड गेट है, तो एक नैंड गेट लगता है नॉट गेट बनाने के लिए। ये हमने क्या है कि मतलब दोनों इनपुट क्या है, कॉमन है, हमने ये ऐसे बना दिया, यानी कि क्या है, दोनों इनपुट क्या है, कॉमन, यानी एक ही इनपुट हम लोग क्योंकि दे सकते हैं, तो ए इंटू ए क्या होगा, ए, और उसका बार क्या आएगा, ए बार। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि इसमें एक ही इनपुट दे सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। इसके बाद है कि एंड गेट आपको बनाना है, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट बनाने के लिए कितने गेट लगेंगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि दो इनपुट वाला देख रहे हैं, दो इनपुट सभी गेट डिजाइन करेंगे, जैसे हमने कल ट्रुथ टेबल देखा था वैसे ही, ठीक। ये देखिए, ये नैंड गेट है, ये, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इंटू बी का बार, ये हो गया नैंड गेट। तो हमने क्या दिया, इनपुट दिया ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू बी का बार। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इन्वर्टर लगा दिया, ये आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, ए बी। तो एंड एंड गेट आप जानते हैं, अगर आपने इनपुट दिया ए बी तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, ए बी। वही यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये आया आपका आउटपुट पे ए इंटू बी। तो जब आप एंड गेट डिजाइन करते हैं तो कितने नैंड गेट लगेंगे, दो, एक और एक दो, ठीक है। तो दो नैंड गेट लगेंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान रखना कि जब आपको एंड गेट डिजाइन करना होगा, ठीक है, एंड गेट बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट की जरूरत होगी, दो। तो हमने क्या किया, सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि नैंड कैसे मिलेगा, सॉरी एंड गेट कैसे मिलेगा, हमें यूज करना किसका, नैंड का। तो नैंड गेट हमें दिया हुआ है और हमें बनाना है एंड, तो नैंड के आउटपुट पे अगर इन्वर्टर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एंड गेट, क्योंकि ये नैंड आ रहा है और उसके आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर, तो हमारा बन गया एंड गेट। अगला है और गेट, और गेट हमें डिजाइन करना है तो क्या करना होगा, हमें दो इन्वर्टर लेना होगा,
और एक यहां पे नैंड गेट लगेगा, ये देखिए, तो यहां पे बन जाएगा ए प्लस, ये नॉर गेट होगा, ठीक है, ये होगा और गेट। और गेट हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं हमारा, हम लोग चेक कर ले रहे हैं, ठीक। तो मैंने यहां पे क्या किया कि हमें बनाना था और गेट, तो और गेट बनाने के लिए हमारे कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तीन, तीन नैंड गेट लगेंगे। देखिए एक दो और एक तीन, दो इन्वर्टर हमने यूज किया, यहां पे मिल गया हमें ए बार, यहां पे मिल गया बी बार, ठीक है, और फिर यहां पे एक नैंड गेट लिए और आउटपुट पे क्या आएगा ए प्लस बी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले एंड होगा और उसका इन्वर्ट, तो एंड हुआ ए बार इंटू बी बार और फिर इन्वर्ट यानी पूरे का बार, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये ए बार आ रहा है फिर यहाँ से क्या आ रहा है बी बार, उसका मल्टीप्लाई और ये इन्वर्ट कर दिया ने पूरे का इन्वर्ट। डिमॉर्गन थ्योरम मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि ए इंटू बी का बार बराबर क्या होगा, ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो देखिए ये इंटू है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, पहले आपका क्या है ए बार ऐसे ही रहा जो ये था और ऊपर वाला बार इसके ऊपर आ गया और इस पे ही आएगा, और डॉट है किस में चेंज हो गया, प्लस बी बार इसका बार, ए बार का बार क्या होगा ए प्लस बी बार का बार बी, तो ए प्लस बी आ रहा है, इसका मतलब क्या है और गेट। इसमें हमने एक सिंपल क्या किया, डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया है। डिमॉर्गन थ्योरम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, डिमॉर्गन थ्योरम हमारा क्या होता है कि ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार एंड ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू क्या होगा ए बार इंटू बी बार। तो देखिए ए ये है आपका ए बार, बी क्या है बी बार, इनका इंटू का होल बार है, तो ए बार तो ऐसे ही था, ये जो बार है अलग अलग हो जाएगा, ये देखिए ए बार का बार और इंटू किस में चेंज हो गया, प्लस में बी बार का बार, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता नॉर्मल, तो ये हो गया और गेट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये है आपका, मान लो दो से ज्यादा इनपुट हो, एक दो तीन ए बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी का होल बार, ये लिख सकते हैं। ये देखिए नैंड गेट ही है, तो हमने जो पढ़ा था, ठीक है, हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पे क्या था कि दो इनपुट वाला हम लोग लॉजिक गेट बना रहे थे, दो इनपुट वाले लॉजिक गेट को स्टडी कर रहे थे, उसका ट्रुथ टेबल देख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ही इनपुट हो, दो से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, तो वही यहाँ पे दो से ज़्यादा तीन दिखाया गया, तो ए इंटू ए बी सी हमने लिया है नैंड गेट ए बी सी का होल बार, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए बी सी इक्वल टू ए बी सी का होल बार, ठीक है, ये आ जाएगा इन्वर्ट और इक्वल टू नैंड। देखिए ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये ना ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये ना पहले हमने बबल लगा दिया, बबल यानी इन्वर्टर लगा दिया, तो इनपुट क्या हो गया, हम इन्वर्ट दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं इन्वर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आउटपुट आया इसका वो आएगा आपका, ये है ए बी सी का होल बार, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या है आपका इन्वर्ट है, ये बबल या इन्वर्ट, तो इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं इन्वर्ट दे रहे हैं, इन्वर्टर लगा के ए बार बी बार सी बार, तो ये क्या आएगा ये, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये अगर सिंपल देखें ये तो बाद में आएगा आपका, ये आएगा आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये आएगा, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार यानी ए बी सी का होल बार। देखिए ये इसको हम डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नहीं, ए बी सी का होल बार इक्वल टू क्या होगा ए बार, फिर यहाँ पे डॉट प्लस में चेंज हो गया बी बार, यहाँ डॉट चेंज हो गया प्लस में सी बार, ये जो आपका बार है अलग अलग हो जाएगा वही है, तो ये
इक्विवेलेंट ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका एंड इनवर्ट, इसको बोलते हैं एंड इनवर्ट, और इसको क्या बोलते हैं इनवर्ट और, इनवर्ट और, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत यूजफुल है जब आप बनाते हैं किसी नैंड या नॉर से पर्टिकुलर, अभी तो हमने नैंड देखा, ठीक। आगे देखते हैं, ये नैंड गेट से हो गया, अब हम लेते हैं नॉर गेट। नॉर गेट से हमें नॉट गेट बनाना है, जैसे नैंड से बनाए थे वैसे ही हमें बनाना है नॉट से, ठीक है। अब हम नॉर से बना रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, एक ही आपका लगेगा नॉर गेट, ए, और यहां पे क्या आ जाएगा ए बार, ठीक है। तो यहां पे ये जब हम बात करते हैं कि हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें, नॉट गेट, नॉट गेट बनाना है, तो नॉट गेट के लिए कितने नॉर गेट लगेंगे, एक, यानी ये हम बोल सकते हैं नॉर इन्वर्टर, सिंपल नॉर इन्वर्टर, या ये आपका क्या है नॉट गेट। तो नॉट गेट हमने किससे बनाया है, नॉर गेट की हेल्प से, इसको क्या बोलेंगे नॉर इन्वर्टर, ठीक है। अगला हम बना रहे हैं और गेट, और गेट देखिए कैसे बनेगा, और गेट हमें बनाने के लिए क्या करना होगा कि और गेट के लिए हमें जो है बनाने के लिए हमें सिंपल जो यूज करना होगा वो होगा आपका क्या, और गेट बनाने के लिए आपको नॉर से बनाना है, नॉर से बनाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर गेट यूज कर रहे हैं, तो नॉर गेट के आउटपुट पे अगर हम इन्वर्टर लगा दें तो और बन जाएगा, नॉर है और आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया इन्वर्टर, तो क्या बन जाएगा हमारा और गेट, ठीक है। सिंपल हमने नॉर का इन्वर्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा और, तो एक ये देखिए नॉर गेट हो गया, यहाँ ए प्लस बी का होल बार, और यहां पे मैंने इन्वर्टर लगा दिया, देखिए तो यहां पे क्या बन गया ए प्लस बी, इसका हमने इन्वर्ट ले लिया तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी। अगला देखते हैं, अब हमें बनाना है एंड गेट, एंड गेट बनाने के लिए देखते हैं एंड गेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, दो इन्वर्टर लेना होगा नॉर इन्वर्टर, एक मैंने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, और यहां पे एक नॉर गेट ले लिया, तो यहां पे बन जाएगा हमारा A into B। चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है, ये देखिए इन्वर्टर है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा A बार, यहाँ पे क्या आएगा B बार, दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है A बार, और ये फिर जोड़ रहे हैं प्लस B बार, ये देखिए यहाँ से आया A बार और यहाँ से आया B बार, पहले और देन इन्वर्ट, तो जोड़ना फिर उसका इन्वर्ट यानी ये पूरा, ठीक है। अब इसको चेक कर ले रहे हैं, ये देखिए प्लस किस में है, डिमॉर्गन थ्योरम लगा दे दिए, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, तो ए बार का बार इंटू बी बार का बार, तो क्या आ गया ए इंटू बी, ए डॉट बी आ गया ना, ठीक है। आगे देखते हैं,
अब हम बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा इनपुट, सॉरी एक से नहीं, दो से ज़्यादा ले रहे हैं, तीन इनपुट वाला ये है ए बी सी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, ठीक है, ये लिख सकते हैं, नॉर गेट है। ये किसकी इक्विवेलेंट होगा, इनवर्ट ये हो गया ए बी सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, और इनवर्ट, और इसको क्या बोलेंगे, इनवर्ट एंड। पहले इसमें क्या कर रहे हैं, पहले और देन इनवर्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, पहले इनवर्ट फिर एंड कर रहे हैं। तो देखिए इनवर्ट एंड इक्वल टू नॉर गेट, इनवर्ट एंड इक्वल टू नॉर गेट। ये देखिए आपके पास आ रहा है ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी बार को क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार आएगा या नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार। देखिए ये प्लस है, इनटू में चेंज हो जाएगा और बार अलग अलग, ए बार इनटू बी बार इनटू सी बार, ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड ऑब्लिक नॉर, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम using NAND oblique NOR gate, ठीक है। तो ये है, आपको ड्रॉ करना है लॉजिक डायग्राम, और वो किसकी हेल्प से करना है, यूजिंग नैंड ऑब्लिक नॉर, ठीक। देखिए इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड और नॉर गेट से, या तो नैंड से बनाना है या नॉर से। पूरी हमारे हमें जो सर्किट है, जैसे हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ है, वो पूरा सर्किट हमें या तो नैंड से बनाना है या पूरा नॉर से बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, ध्यान से सुनना, पहला स्टेप है आपको क्या करना होगा, बेसिक गेट एंड और नॉर से आपको क्या करना है, सर्किट डिजाइन कर लेना है। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि कोई बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन दिया होगा तभी तो आप क्या है सर्किट बना पाएंगे। तो आपके पास क्या गिवन होगा, बूलियन फंक्शन गिवन होगा या आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन, उससे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि एंड और नॉट से सर्किट को बना लेंगे। पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप क्या हो गया कि एंड और नॉट से सर्किट को बना लेंगे। दूसरा स्टेप, मान लीजिए हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं, तो नैंड गेट हम जब यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि एंड के आउटपुट पे बबल लगा देंगे। एंड के आउटपुट पे क्या करेंगे, बबल लगा देंगे। बबल मतलब क्या है, इन्वर्टर। ये जो हम लोग देखते हैं ये बबल है ना, बबल मतलब क्या है, इन्वर्टर। तो जब हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं तो एंड के आउटपुट पे क्या करेंगे, बबल लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, नैंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंड के आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दें तो क्या बन जाता है, नैंड, ठीक है। और जहां पे और गेट होगा, और गेट होगा तो उसके इनपुट पे बबल लगा देंगे, ठीक है। तो अगर एंड गेट दिया है तो उसके आउटपुट पे बबल लगा देंगे तो वो नैंड बन जाएगा,
और अगर और गेट दिया है तो उसके इनपुट पे बबल लगा देंगे तो वो इन्वर्ट और इक्वल टू क्या बन जाएगा, नैंड। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने देखा था। ठीक, इन्वर्टर होगा तो सिंपल नॉर इन्वर्ट नैंड इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड वाला जो स्टेप है, आप मान लीजिए अगर नॉर गेट ले रहे हैं, दूसरा हो गया नैंड ले रहे हैं, तीसरा मान लिया नॉर ले रहे हैं, तो नॉर में हम क्या करेंगे कि नॉर गेट में हमें क्या करना होगा कि और गेट के आउटपुट पे बबल लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि और गेट दिया होगा तो उसके आउटपुट पे बबल लगाएंगे तो नॉर बन जाएगा, एंड गेट दिया होगा तो उसके इनपुट पे बबल लगाएंगे तो वो इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर बन जाएगा। इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर गेट। क्लियर है? ठीक, फोर्थ स्टेप क्या है? अब देखिए, आपने जहां जहां बबल लगाया है, बबल हमने दिया तो था नहीं, अपने मर्जी से लगाए हैं, इसका मतलब है कि आपने बबल अपनी मर्जी से लगाया है, तो बबल हमें दिया नहीं था, तो बबल नहीं दिया था तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने बबल अपनी मर्जी से लगाया है तो उसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो जहां जहां आपने बबल लगाया है, बबल आपको बोला नहीं गया था कि आप लगाइए, ये हम लोग सर्किट डिजाइन करने के लिए लगा रहे हैं, तो बबल हमने अपनी मर्जी से लगाया है तो जहां जहां बबल लगाया उसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि अनबैलेंस हो गई अब सर्किट। तो जहां जहां बबल लगाया उस लाइन में हम क्या करेंगे, इन्वर्टर ऐड कर देंगे, जहां जहां बबल लगाया जिस लाइन में हमने लगाया है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर ऐड कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्या होगा, अगला पॉइंट कि अभी मैंने बताया है कि आपका इन्वर्ट और इक्वल टू क्या होगा, नैंड गेट, और इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर गेट। तो इन्वर्ट और क्या होगा, किसके बराबर, यानी जहां जहां हमारा हो रहा होगा इन्वर्ट और, उसको रिप्लेस कर देंगे नैंड गेट से, और जहां जहां हमारा हो रहा होगा इन्वर्ट एंड, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, नॉर गेट से, इसको हम क्या बना देंगे, नॉर। तो जो स्टेप टू और थ्री में हमने किया है, स्टेप टू में क्या किया कि इन्वर्ट और, तो इन्वर्ट और इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देंगे, नैंड गेट, और इन्वर्ट एंड इक्वल टू हम क्या रिप्लेस कर देंगे, नॉर गेट। ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो आता है उसके बाद क्या करेंगे, जहां डबल इन्वर्टर होगा, दो इन्वर्टर एक लाइन में होंगे, उसे इलिमिनेट कर देंगे, डबल इन्वर्जन इलिमिनेट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी का दो बार बार ले लें तो वो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो जहां डबल इन्वर्टर होगा, डबल इन्वर्जन होगा, उसको इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जो कि हमें डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जब हमें सर्किट डिजाइन करना होगा तो उसके लिए मैंने आपको पांच जो पॉइंट बताए हैं, ठीक है, वो आपको पॉइंट्स ध्यान रखना होगा। कोई भी सर्किट है, चाहे आप नैंड से बनाइए चाहे नॉर से बनाइए, उसके लिए स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप मैं आपको बताया, एंड और नॉट गेट्स से आप सिंपल सर्किट बना लीजिए। दूसरे पॉइंट में क्या है, नैंड यूज कर रहे हैं तो एंड के आउटपुट पे बबल लगा दीजिए, और है तो उसके इनपुट पे बबल लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्या है, अगर नॉर गेट ले रहे हैं तो और के आउटपुट पे बबल लगा दीजिए तो वो नॉर बन जाएगा, और एंड के इनपुट पे बबल लगा दीजिए तो वो इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जहां जहां जिस लाइन में बबल लगाया उस लाइन में क्या करेंगे, इन्वर्टर ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जो आपका दूसरा और तीसरा जो मैंने स्टेप बताया उसमें क्या करेंगे कि इन्वर्ट और इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देंगे आप, नैंड से, और इन्वर्ट एंड इक्वल टू किससे रिप्लेस कर देंगे, नॉर से, और जो डबल इन्वर्जन होगा उसको हम इलिमिनेट कर देंगे, यानी दो इन्वर्टर जहां आएंगे जिस लाइन में उसको इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।